शादी विवाह के मंडप में जब दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं तो पंडित जी विवाह बंधन के लिए मंत्र पढ़ते रहते हैं। इसी दौरान वह कई ऐसी बातें करते हैं जिसे सुनने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कई बार तो पंडित जी दूल्हा दुल्हन को समझाते हुए भी नजर आते हैं कि जीवन साथी को अकेले नहीं छोड़ना, हमेशा साथ लेकर चलना आदि। लेकिन इस शादी में पंडित जी ने जो कहा उसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं शादी के मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन के सामने पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। दूल्हा पंडित जी को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। पंडित जी बोलते हैं, घर में जितना भी धन, वस्त्र, भोजन पदार्थ आदि लाए वह सब दुल्हन को अर्पण करना होगा। अपने बगीचे में अकेले नहीं जाना है, घर से बाहर कभी शयन नहीं करना है, बाहर भोजन भी नहीं करना है। इसके बाद उन्होंने कहा, शराबियों के अड्डे पर नहीं जाना है और फालतू का नहीं हंसना है। जिसे सुनकर दूल्हा दुल्हन समेत वहां मौजूद मेहमान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आगे आप देखें यह मजेदार वीडियो और कमेंट्स कर हमें भी दें अपनी राय। घर में जितना भी धन, धान्य, मधुर पदार्थ, विवाह भोजन आदि की वस्तुएं जो कुछ घर में लाए ये सब मेरे को अर्पण करना होगा। आपने बगीचे में अकेले नहीं जाना है, शराबियों के अड्डे पर कभी नहीं, और फालतू का नहीं हंसना होगा। घर से बाहर कभी शयन नहीं करना होगा, सोने के लिए दूसरे के घर नहीं जाना होगा, ठीक है, और नहीं बाहर भोजन करना होगा। हाँ जी, बाहर नहीं, इनको पूछेंगे।